हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपके साथ कुछ डहेलिया की कटिंग लगाने वाली हूँ, क्योंकि मौसम अच्छा है और 2-3 दिन से हमारे यहाँ कंटिन्यू बारिश हो रही है। तो मैंने सोचा कुछ कटिंग आपको लगा के दिखा दूँ, और मैं लगा लूँगी तो बाद में फिर आप लोग पूछेंगे भी कि आपने कैसे लगाई, कैसे ग्रो हुई। तो इसलिए मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। तो थोड़ी थोड़ी रिमझिम सी फुहारें अभी भी पड़ रही हैं, अभी जस्ट तेज़ बारिश होकर के गई है। और अगर मैं 1-2 दिन पहले और लगा लेती तो 1-2 दिन में कटिंग हमारी थोड़ी सी स्टेब्लिश हो जाती, लेकिन फिर भी कोई नहीं, अभी भी बारिश के चांस हैं, मतलब अभी और बारिश हो सकती है। तो मैं इसलिए सोच रही हूँ, कल मैंने देखिए फर्टिलाइज़र भी शाम को दिया था अपने सारे हिबिस्कस प्लांट में, और धीरे धीरे प्लांट की ग्रोथ ठीक हो रही है। इधर देखिए मेरे जो स्ट्रॉबेरी प्लांट है, बारिश से पानी मिलने से नहीं, काफ़ी अच्छा हेल्दी हो गया है, और इसमें छोटे छोटे रनर भी निकल रहे हैं। इस पर मैं सेपरेट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसमें बेबी प्लांट निकलते हैं, जैसे कि स्पाइडर प्लांट में निकलते हैं ना, उसी तरह से। तो हम उसके नए नए बेबी प्लांट और तैयार कर सकते हैं अगर आपके पास पुराना प्लांट है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ अपने सबसे पहले डहेलिया का प्लांट, जो मेरा लास्ट ईयर का प्लांट है। ये देखिए, ये यहाँ पे लगा हुआ। तो कुछ कटिंग मैं यहाँ से लूँगी, और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ से जब हम कटिंग लेंगे ना, तो नीचे से हमारा ये प्लांट भी और ज़्यादा घना हो जाएगा, और साथ के साथ हमको यहाँ से कटिंग मिल जाएगी। मैंने ब्लेड रखी हुई है, आप सीजर भी ले सकते हैं, तो आप ऐसे भी कट कर सकते हैं। वैसे आप थोड़ा सा शार्प ब्लेड से कट करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए मेरी ब्रांच वहाँ से टूट गई, तो चलिए अभी ब्रांच को हटा देते हैं, क्योंकि अभी ये ख़राबी हो गई। तो मैं दोनों हाथ से कटिंग निकाल लेती हूँ, नहीं तो मेरी जो प्लांट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए मैंने सारे ब्रांच से कटिंग ले ली है, अब इसमें न्यू शूट्स फिर से निकलेंगे। अभी देखिए नीचे से कुछ निकल भी रहे हैं, तो देखते हैं, एक ट्रिप हम कटिंग लगा लेते हैं, नहीं निकलेगा तो दोबारा मैं ये वाली कटिंग काम आएंगी। फिर कुछ प्लांट मेरे पास और भी हैं, इधर देखिए, इनमें से कुछ कटिंग वैसे मैंने ले करके लगाई हुई है। तो चलिए दिखा देती हूँ, और कुछ कटिंग मैं बाद में ले लूँगी इधर से। फिर तो अभी जितनी मैंने ली है उतनी काफ़ी है मेरे लिए। देखिए सबसे पहले इनके नीचे के पत्तों को सावधानी से हटा देना है, नीचे के लगभग 2-3 नोड आपको खाली करने हैं। इसके ज़्यादा पत्ते रहेंगे तो आपकी कटिंग फेल हो सकती है, क्योंकि मॉइस्चर सारा फिर वो उड़ा देगा, ख़त्म कर देगा। तो इसलिए तो देखिए इस तरह से जो पत्तियां हैं, ऊपर की पत्तियां बस मैं रखूँगी, और नीचे की सारी पत्तियाँ हटा देंगे हम इसमें से। तो ये देखिए इस तरह से हमारी कटिंग रेडी होगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने 6 कटिंग ले ली है, और इस तरह से मैंने नॉड इनके खाली कर लिए हैं। इनको थोड़ा सा और क्लीन कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, ताकि यहाँ से आई मतलब जो रूट होता है यहीं से निकलेगा, जो नॉड एरिया होते हैं। तो इनको हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे, और एक शार्प ब्लेड से आप कर सकते हैं, सीजर से भी कर सकते हैं, नहीं तो हाथ की हेल्प से सावधानी से आप इनको शार्प कर सकते हैं। ये देखिए कुछ टाइम पहले मैंने कटिंग लगाई थी, लगभग 1 हफ्ता हुआ है। 1 हफ्ते में मुझे लगता है कि ये कटिंग ग्रो हो जाएंगी अब, पर ये देखिए थोड़ा सा इसमें फंगस भी लग गई। देखिए पत्ते इस तरह से कर्ल हो गए, तो ये एक बीमारी है जो अडेनिया में बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। तो मेरे इस प्लांट में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मुझे लगता है, तो ये इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा, कुछ फंगीसाइड का भी। तो देखिए इसमें ये शायद ग्रो हो जाएंगी, देखिए अभी तक तो मुरझाई नहीं है, हरी हरी दिख रही हैं, और 2 दिन से अभी पानी भी अच्छा मिल रहा है इनको। ये मैंने जो अडेनियम का पॉट था ना, उसी में लगा दी थी, ये मैंने 1 हफ्ते पहले लगाई थी। अभी मैं कुछ खास नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि सैंड मेरे यहाँ लाना अभी थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। सैंड मेरे घर में रखी तो है, पर बहुत ज़्यादा नीचे बोरियों में दबी हुई, तो मुझे निकालना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा मुश्किल, नहीं तो मैं अपनी कटिंग सैंड में ही लगाती हूँ। तो मैं अभी क्या करूँगी, जो भी सॉइल मिक्स है, सैंड और सॉइल का, उसे मैं कटिंग लगाने वाली हूँ। तो चलिए एक गमले में हम मिट्टी भर लेते हैं। तो ये देखिए एक वेस्ट मटेरियल मुझे मिला, ये नई सैंड नहीं है, मैंने इस पर कोलिया से कुछ कटिंग लगाई थी अभी 3 दिन पहले लगाई थी। देखिए इसमें रोटिंग भी हो गई, तो इनको मैं हटा के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दूँगी। ये देखिए सिर्फ 3 या 4 दिन हुए थे, 3 दिन, और इसमें रोटिंग हो गई। तो कोलियस बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है कटिंग से। तो ये पुराना सैंड है, मतलब इसे मैंने कोलियस लगाया था पहले, इससे पहले भी कोलियस लगा के रखा था, तो सैंड ना मिलने की वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन ये मिल गया, चलिए तो मैं सैंड में ही लगाऊंगी। अब हमको लेना है यहाँ पे एलोवेरा। एलोवेरा में आप थोड़ा सा इस तरह से कर लीजिए ताकि जेल अच्छे से लग जाए और आपकी जो कटिंग है अच्छे से इसमें डूब जाए। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से। तो आप चाहे तो कोई होल बना सकते हैं, चलिए मैं यहाँ पे होल करके दिखा देती हूँ आपको किसी स्टिक से। यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा, तो यहाँ पर देखिए हम थोड़ा सा होल बना लेते हैं ताकि हमारी कटिंग को कोई डिस्टर्ब ना हो मेरी कोई कटिंग। और इस तरह से थोड़ा सा होल बना लेंगे हम, और इसके अंदर हम अपनी कटिंग को लगा देंगे। तो आप भी अभी टाइम बेस्ट है, अगर आपके यहाँ अच्छी बारिश हो रही है
क्योंकि बारिश जब होती रहती है ना तो कटिंग 100% ग्रो होती है। अब इस तरह से लगा करके होल के अंदर और इसको अच्छे से दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए। ये देखिए एक कटिंग हमने लगा दी, दूसरी कटिंग उठाएंगे इस तरह से। ये देखिए दो तीन नोड है इसके नीचे और किसी भी नोड से पहले से नहीं निकलेगी, दूसरे से वैसे सभी नोड से फिर निकल आती हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमको लगा देना है। आप चाहे तो जो डिस्पोजल ग्लास होते हैं उनमें अलग अलग करके लगा सकते हैं, वो भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, रिपोर्टिंग में आसानी होगी उसमें, तो वैसे भी लगा सकते हैं। मेरे पास इतनी सारी स्पेस नहीं सबको अलग अलग कहाँ रखूँ, तो उसी चक्कर में ना मैं एक साथ इनको लगा दे रही हूँ। और इस बार मेरे गार्डन में उतनी जगह भी नहीं है, हर साल की तरह मैं विंटर गार्डन पता नहीं इस बार अच्छे से तैयार कर पाऊँ क्यों नहीं, बहुत ज़्यादा स्पेस की कमी हो गई है मेरे गार्डन में। तो जितनी भी 2, 4, 6, 8, 10 तैयार हो जाएंगी तो मैं उन्हीं को कोशिश करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊँगी प्लान। तो इसलिए देखिए 4-5 कटिंग उधर मेरी तैयार हो रही है और 5-6 कटिंग ये मैंने लगा दी। तो इस तरह से लगभग 8-10 प्लांट हो जाएंगे मेरे पास, इनमें से कुछ अच्छे होंगे कुछ ख़राब होंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे 6 कटिंग लगा दी अभी तो फिलहाल, एक दो कटिंग और देखती हूँ इसमें थोड़ी जगह बची है तो मैं लगा देती हूँ निकाल करके उनको भी कहीं से और ले करके। तो ये देखिए अब बारिश तो हो ही रही है, इसको ऐसी जगह पर रख देंगे थोड़ा, कोई मतलब जैसे हिबिस्कस का प्लांट है या फिर किसी भी थोड़े बड़े प्लांट के नीचे रख देंगे, छाया भी मिलेगी और साथ में बारिश का पानी भी मिलेगा, तो ये हमारी कटिंग जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाएगी। तो ये देखिए 3 कटिंग मैं और लेकर के आई हूँ, ये देखिए इस तरह से। तो इनको भी मैं सोच रही हूँ इसी में, एक को तो इसी में लगा दूँगी, दो के लिए मैं एक पॉली बैग लेकर आई। इसमें मैंने अडेनियम लगाया था लेकिन वो अडेनियम की सीडलिंग ख़राब हो गई है तो ये खाली पड़ा है, तो इसमें भी मैं एक लगा दूंगी और यहाँ पर एक कटिंग ही लगाऊँ क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं है, फिर बढ़ेंगे तो दिक्कत भी होगी, तो यहाँ पर एक कटिंग लगाएंगे। और ये मेरी सारी ना पिंक कलर की ही कटिंग है, मेरे पास दूसरा प्लांट पता नहीं क्यों बच ही नहीं पाता, बस बचता है ना तो यही सिर्फ पिंक कलर है, मैं सेव करना चाहती हूँ। मैंने बल्ब भी रखे हैं बहुत सारे रखे हैं, मैं सोच रही हूँ कुछ को ग्रो कर दूँ पर वो भी पिंक वाले के ही बल्ब हैं सारे, तो इसलिए मन नहीं कर रहा है। पर देखूँगी अगर कटिंग नहीं तैयार हुई तो फिर वैसे 100% कटिंग मेरी चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, मैं इसी तरीके से हर साल लगाती हूँ और मेरी कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए जेल नहीं निकल रहा, अभी बारिश बहुत तेज़ हुई है तो पूरा पानी पानी हुआ है पूरे छत में। और ये देखिए इस तरह से, तो दो कटिंग को मैं अलग से लगाए दे रही हूँ, देखती हूँ दोनों का रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, तो इसकी अपडेट के साथ मिलेंगे। वैसे मैंने दिखाया है अभी थोड़ा सा अपडेट, जो मतलब अभी पूरे तरीके से ग्रो नहीं हुई है लेकिन फिर भी अब वो कटिंग ख़राब नहीं हुई होंगी जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाई है, वो कटिंग लगभग हमारी ग्रो हो चुकी है। देखिए मैं इसको दिखा भी नहीं पाई ठीक से, पता नहीं कहाँ पर लगा रही थी मैं। तो ये देखिए ये मैंने दो कटिंग पॉलीबैग में लगा दी है और 6-7 कटिंग मैंने इसमें लगा दी है कंटेनर में, तो बस हम इनको बारिश में ही रखेंगे। बस ये रखना धूप में नहीं रखना है, धूप में रखते हैं तो ये मुरझा जाता है बहुत जल्दी, तो इसलिए धूप में नहीं रखना है बारिश में रखना है। और ये कोलिया सो कहीं पे लगा देते हैं, देखिए बहुत ही खूबसूरत सा कलर है इसका, तो किसी में अभी मैं शिफ्ट कर देती हूँ यहाँ पर। देखिए क्यों फेंकना कोई भी कटिंग को, ये मिट्टी भरी पड़ी है यहाँ पर, इसी में लगा देते हैं, चलिए तो ये ग्रो हो जाएगा अच्छे से। बारिश तो हो ही रही है, तो बस फ्रेंड्स यही बताना था आपको। आप लोग भी अभी डहेलिया क्रिसेंथियम की कटिंग इस समय लगा सकते हैं, क्रिसेंथियम की कटिंग मैंने लगाई थी और देखिए आपको उसकी भी अपडेट दिखा देती हूँ। मिट्टी में ही लगाई थी इस बार मैंने, सैंड में भी लगाई थी, सैंड की भी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई। और ये देखिए मिट्टी में लगी हुई कटिंग, ये मेरी क्रिसेंथियम की कटिंग है और देखिए इसमें वीड्स भी इतनी बड़ी ग्रो हो गई है। अगर निकाल कर दिखाऊं पर अभी रिपोर्ट नहीं कर सकती, पूरा पानी पानी हुआ छत में तो मिट्टी वगैरह बनाने में दिक्कत होगी। नहीं, ये रिपोर्टिंग मांग रहे हैं, इनकी रिपोर्टिंग की ज़रूरत है इनको। ये देखिए बहुत अच्छे से इनमें रूट आ गई है, नीचे की पत्तियां कुछ ख़राब हो गई हैं, बाकी रूटिंग बहुत अच्छी हुई है। तो मैं अभी नहीं निकाल कर दिखाऊंगी, बाद में जिस दिन रिपोर्ट करूँगी तो आपको दिखा दूँगी। वैसे मैंने रिपोर्टिंग की वीडियो बनाई थी, कुछ कटिंग मैंने रिपोर्ट भी की थी, तो ये देखिए इस तरह से। तो ये बहुत अच्छा बेस्ट टाइम है क्रिसेंथियम और डहेलिया की कटिंग लगाने का, आप लोग भी ज़रूर लगाइए और खूब सारे ढेर सारे प्लांट तैयार कीजिए। बस फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। और जैसे अभी थोड़ा सा पानी हम इसको दे देते हैं क्योंकि अभी बारिश बंद हो चुकी है, तो ये देखिए छत पर बारिश का ही पानी भरा हुआ पड़ा है, तो मैं इसको एक बार इसी को डाल देती हूँ इसमें। ये देखिए डाल दिया हमने और ये काफ़ी अच्छे से जल्दी ही ग्रो हो जाएंगे, तो यहीं पर रख देते हैं। चलिए इनको खिसका करके किनारे में,
जैसे ही इनके हिसाब से मौसम रहेगा। ये देखिए अलमंडा के प्लांट मैंने रख दिया, यहाँ इसको छाया भी मिलेगी और पानी भी मिलेगा, तो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी।